नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुभा कपिल और मेरे चैनल क्रेजी कुकिंग विद अनुभा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग और इंस्टेंट वीडियो लेकर आई हूं। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूं आलू चिप्स की रेसिपी, और ये रेसिपी इंस्टेंट होने के साथ स्वादिष्ट है। और इसकी खास बात यह है कि इस चिप्स को बनाने के लिए आपको आलू को बहुत देर तक नमक या फिटकरी के पानी में बिल्कुल भिगोने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ इनको छीलिए, इनकी स्लाइस बनाइए और झटपट इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत इंस्टेंट है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्यों देर कर रहे हैं, बताती हूँ आपको इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। इसके लिए मेन आलू ही हैं, आलू के चिप्स हैं। तो आलू आपको, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लीजिए। वैसे मैंने 3-4 आलू लिए और इनको छील लिया, अच्छे से छील के मैंने अच्छे से धो लिया इनको, ठीक है। अब धो के मैंने भिगोने कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैंने क्या करना है, इसको ना हमें बहुत देर तक नहीं भिगोना, लिया और इसमें से निकाला हमने पानी में से, और कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए। बस इसको हमें और कुछ नहीं करना है, सुखाना उखाना भी नहीं है। तो लीजिए, मैंने इसको अच्छे से पोंछ लिया और अब मैंने क्या करना है, अब मैं बताती हूँ आपको। मैं इसको साइड में करती हूँ, ये मेरी चिप्स वाली मशीन है। आपके पास जो भी चिप्स की मशीन हो आप उसको लीजिए, और मैं तो इस मशीन से कर रही हूँ। और आप अपनी पसंद से किसी तरह से भी इसको, जैसे स्लाइस बनाना चाहें ऐसे बना लीजिए। और पहले मैं इसकी बना ले रही हूँ स्लाइस। ये बन गई मेरी स्लाइस आलू की, ओके। और अब उसमें और कुछ नहीं करना है। अब मैं ले चल रही हूँ इनको सीधा गैस स्टोव की ओर। तो फ्रेंड्स, मैंने गैस स्टोव पर रखा हुआ था कुकिंग ऑयल, और इस ऑयल को मैंने कर लिया गरम। गरम करके मैंने इसको किया है बिल्कुल मीडियम टू स्लो फ्लेम पे। हमें इसको बनानी है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे नहीं बनानी है। और अब मैंने क्या करना है, इस चिप्स की जो स्लाइसेस हैं इनको एक एक करके इसमें डाल रही हूँ। जितने भी आपके इसमें आ सकते हैं कढ़ाई में, आप इसको उतनी डाल सकते हैं। और इसको अभी हमें ज़्यादा नहीं छेड़ना है, थोड़ा सा इसको तलते रहने देना है। और ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर या बिल्कुल लो फ्लेम, यदि आपकी मीडियम फ्लेम पर काफ़ी तेज चलती है गैस स्टोव तो उसको थोड़ा सा लो कर लीजिए। और इसको अभी हम आराम से तलते हैं, 2-3 मिनट इसमें ही तल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये तलनी शुरू हो गई हैं। और ये फ्रेंड्स, इनकी पहचान है कि थोड़ी एकदम क्रिस्पी हो जाएंगी। इसकी आवाज़ आप देख सकेंगे थोड़ी देर में, अभी तो ये क्रिस्पी नहीं हुई है और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, जैसे नवरात्रे चल रहे हैं आजकल, नवरात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स ये। नवरात्रों में सब चिप्स सबसे ज़्यादा खाई जाती हैं, और कभी कभी जैसे चिप्स बनी हुई नहीं होती तो ये आप इंस्टेंटली बना सकते हैं और इसको इंजॉय कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली भी अब इसको कभी भी स्नैक्स, चिप्स तो ऑल टाइम फेवरेट होती है सभी की, कभी भी बनाइए और इंजॉय कीजिए। तो अभी थोड़ा सा मैं इसको तलने का टाइम देती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, इधर ये चिप्स तल रही हैं और इधर मैंने दूसरे बैच के आलू भी स्लाइस कर लिए हैं। ये ना बहुत पहले से नहीं कट करके रखेंगे, बहुत पहले यदि स्लाइस बना लेंगे ना तो ये काले पड़ जाएंगे। अब तो मुझे लग रहा है चिप्स क्योंकि बनने ही वाली हैं, कंप्लीट होने वाला है ये प्रोसेस, तो इसलिए मैंने दूसरे बैच के भी स्लाइस कट कर लिए हैं, इनको निकाल के, ताकि मैं इनको हाथों डाल सकूँ कढ़ाई में। आप देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये तलती जा रही हैं, तैयार होती जा रही हैं, ऐसी ऐसी क्रिस्पी होती जा रही है। देखिए इसकी ना, मैं अभी बन जाएंगी तो आपको इसकी आवाज़ दिखाऊंगी, अभी तो नहीं, थोड़ा सा और इसको बना देती हूँ मैं, 1-2 मिनट बस। ये ना रेसिपी इतनी बढ़िया है ना, सिर्फ 5-7 मिनट के अंदर ये हमारी चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगी। अभी आपको मैं इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी, बहुत कुरकुरी और क्रिस्पी ये बन जाएंगी। अब लीजिए फ्रेंड्स, हमारी चिप्स बनकर एकदम रेडी हैं, ये एकदम क्रिस्पी बन गई हैं। इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और साइड से गोल्डन हो गया। देखिए आपको इसकी आवाज़ सुना सकती हूँ मैं, कुरकुरी की है ना, एकदम क्रिस्पी। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ किसी टिश्यू पेपर पर। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने ये चिप्स निकाल ली टिश्यू पेपर पर, ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है, ये तेल है, निकल जाए। और बाकी दूसरे बैच की मैंने चिप्स डाल दिए कढ़ाई में, वो बन रही है आराम से। और अभी मैंने क्या करना है, अब इसमें अपनी पसंद से आप जो चाहें स्पाइसेस डाल सकते हैं। नमक तो डलेगा ही डलेगा इसमें, जैसे मैं नमक डाल रही हूँ, गर्म गर्म पे ही नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा। और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें टाटरी से बहुत मज़ेदार एक टैंगी सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा, ये बच्चों को भी पसंद आएगा। और ये थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर, और आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। तो फ्रेंड्स, ये इंस्टेंट, इनफैक्ट वेरी इंस्टेंट चिप्स की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे आशा है आपको पसंद आएगी और आप इसको ट्राई करके अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ कनेक्टेड विद मी। एंड फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के लिए दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।